ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेते सव्वे संगम संगम पत्तेग्मेव पत्तेयम् वंदाम्यवठन्ते अर्हन्ते मानुसे खेते ज्ञानेन पूर्णश विशुद्ध साधो कल्याण वाणी झरति विनित्यम् पियूष मस्मान् खलु पायन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहंतम् आचार्यवर्यं प्रणमामहंतम् आचार्यवर्यं प्रणमामहंतम् नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो अच्छायाणम् नमो लोए सभ्यसाहूणम् देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1008 मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, देवादि 1008 अंतिम तीर्थ श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवंत संयम पुरुषोत्तम महाश्रमण श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, भव ज्ञानियों हम सभी महाश्रमण परम भट्टारक वीतराग सर्वज्ञ श्री जिनदेव भगवान महावीर की दिव्य देशना वर्तमान के वर्धमान समय सार स्वरूप आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। जब भी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होगी यह जिनेन्द्र की वाणी जिनवाणी ही कार्यकारी। जगत में पत्नी तो पसंद से मिल जाती है सोनू भाई, जगत में पत्नी तो पसंद से मिल जाती है लेकिन मां पुण्य से ही मिलती है। मां का मिलना पुण्य का उदय है, ऐसे ही जगत में चार भी कथा हैं, यहां वहां की बातें तो कहीं भी मिल जाएंगी, कहीं भी चले जाओगे मिल जाएंगी, लेकिन जिनवाणी मां के लिए अतिशय पुण्य चाहिए और वो भी साक्षात गुरुमुख से जिनवाणी सुने। पंडित जी डॉक्टरेस कर ली आपने आचार्य श्री के ऊपर, कर ली ना, डॉक्टर हो गए आप, अब आगे क्या करना है? हमारे चरणों में नहीं गुरु के चरणों में आना है और गुरु ही बनना है। जब अंतरंग में श्रद्धा भक्ति आस्था और पुण्यानुबन्नी पुण्य का उदय होता है तो देखो आज बुंदेलखंड की धरा से कितने लोग आए, कितने लोग आए हैं, 108 इतने लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि इनके पुण्यानुबन्नी पुण्य का उदय था, श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था अपने गुरु पर, इसलिए 24 घंटे का सफर करके 10 घंटे ट्रेन लेट भी हो गई फिर भी आए हैं, 25 घंटे लेट हो गए उसके बाद भी। तो मनुष्य बनना ये भाग्य की बात है पंडित जी, मनुष्य कुल मिला है ये भाग्य की बात है, जैन धर्म मिलना यह सौभाग्य है, मनुष्य बनना भाग्य है, जैन धर्म मिलना सौभाग्य है, दिगंबर गुरु का मिलना अहोभाग्य है। और गुरु के मुख से जिनवाणी सुनना ये तो महा महा महाभाग्य है। इस पंचम काल में
मन को भटना भटकाने के निमित्त बहुत हैं, बहुत हैं, बुद्धि को भटकाने वाले निमित्त बहुत हैं। रितेश, जब से बुद्धि में है शुद्धि तब से चली गई विशुद्धि। जब से क्या हुआ? जब से बुद्धि में आई है शुद्धि तब से पलायन कर गई विशुद्धि। अब बढ़ानी है विशुद्धि तो नजर हटाओ, फिर से लाओ जिनवाणी में और गुरु चरणों में अपनी दृष्टि लाओ, तो आपकी सृष्टि भी निर्मल हो जाए। पंडित जी, कब तक गजब गजब करते रहोगे? एक दिन दिखा दो रायपुर वालों के लिए कि हम भी गजब कर सकते हैं। 6 नवंबर को दीक्षा हो रही हैं, 6 नवंबर को हो रही हैं दीक्षाएं, तो रायपुर वाले भी आपको देख के कहें गजब है कि नहीं। गुरुजी को तो आप ले आए, गुरुजी को तो रायपुर में ले आए, अब लेकिन केवल लाना ही काम था क्या? क्या लाना ही काम था कि अब उनसे कुछ लेना भी है? जो आपके अंतिम समय तक जो काम है वह क्या है? कोई धन संपत्ति काम में नहीं आएगी प्रवीण भैया, क्या काम में आएगा? सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ना शरीर काम में आएगा, ना शरीर काम में आएगा, ना धन संपत्ति काम में आएगी। केवल जो ये गुरु मुख से आप जिनवाणी सुन रहे हो वही काम में आएगी। जो जिनवाणी है, जो धर्म है, वह कैसा है? कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पंडित जी, हाँ देखो, यह है धर्म जिनवाणी। कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यह तो कंप्लीट पॉलिसी है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सबके दिन, सबके साथ एक दिन ऐसा समय आता है, सबके जीवन में एक दिन ऐसा समय आता है ताराचंद जी, कि घर की नारी तो छोड़ो, शरीर की नाड़ी भी साथ नहीं देती। घर की नारी तो छोड़ो, शरीर की नाड़ी भी साथ नहीं देती। सब गुरु ही, तब गुरु ही काम में आते हैं जो इस संसार से पार लगाते हैं। गुरु चरणों में आना अतिशय पुण्य का उदय। समय है तो समझ जाओ, समल जाओ। समय है सुरेश भैया तो समझ जाओ, समल जाओ, क्योंकि समय और समझ ये बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली जीवों को एक साथ मिलती हैं। क्योंकि जब तक जीवन में, जब तक व्यक्ति के जीवन में समय रहता है तब समझ नहीं रहती, और जब तक समय समझ आती है सोनू, जब तक समय निकल जाता है। तो आप सभी आए यहां पे गुरुमुख से जिनवाणी सुनने के लिए, लेकिन मात्र सुनते ही रहोगे, सुनते ही रहोगे। अभी तक तो जब से हम आचार्य भगवान से जुड़े हैं, टीकमगढ़ी वह शहर था जहां पे आचार्य श्री को हमने सबसे पहले श्रीपदभेद किया था, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, क्योंकि धरा धरा का ही पुण्य होता है। कोई स्थान महान नहीं होता, स्थान कोई महान नहीं होता, लेकिन महान व्यक्ति जिस स्थान पर कदम रखते हैं वो स्थान ही महान हो जाता है। तो आज रायपुर भी महान हो गया, आपका फावड़ी, आपका संकन नगर, ये सब महान हो गए। क्यों? क्योंकि जो भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हैं, भावी सिद्ध हैं, वह जिस जिस धरा से गुजर जाते हैं वह धरा भी पावन हो जाती है। जे गुरु चरण जहां पड़े जग में तीर्थ होए। और आज देख लो, आज देख लो, रायपुर किसी तीर्थ से कम है क्या? कहां कहां से, कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जैसे तीर्थ की वंदना करने में जो आनंद आता है, सम्मे सगर की वंदना में जो आनंद आता है, वह आनंद गुरु चरणों में आता है। उसी आनंद को आप सभी लूट रहे हो। यही आनंद है, यही आनंद है सोनू भाई, यही मुस्कुरा पाते हो दोनों सोनू। बाकी तो घर पे जाके आचार्य जी बताते ही हैं, रोना पड़ता है, पिटना पड़ता है, सही है ना? सही है, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाए। हम तो
अपनी बात बताते हैं, सर्वप्रथम आचार्य श्री का चतुर्मास 2003 में ललितपुर में हुआ। उस दिन उस समय पूरे चतुर्मास में आपको लगता होगा हम प्रतिदिन गए होंगे आचार्य श्री के पास, एक भी दिन हम उनके दर्शन करने को नहीं गए, एक भी दिन। जबकि मंदिर की दूरी कितनी, 100 मीटर भी दूरी नहीं है हमारे घर से एटा मंदिर की दूरी, फिर भी 4 महीने में एक भी दिन नहीं गए, ना कभी वही आवृत्ति, ना कभी आहार, ना कभी प्रवचन, बस सुने थे कोई महाराज जी आए बहुत अच्छे। लेकिन आप लोगों तो कितना भाग है, जब से हम संघ में आए हैं प्रथम बार आचार्य से को सुना, सबसे ज्यादा आचार्य से टीकमगढ़ी गए हैं, सबसे ज्यादा बार। चातुर्मास भले ना हुआ हो लेकिन सबसे ज्यादा बांसना टीकमगढ़ में सुनी है, और दूसरी बार उसके बाद कहीं गए हैं तो ये रायपुर है, चौथी बार आए हैं दीक्षा के बाद आचार्य श्री के साथ रायपुर। तो ये भी पुण्योदय है दोनों सोनु, अगर जब प्रथम बार आचार्य श्री जुड़ जाते तो आज ऊपर बैठे होते सुब्रत सागर जी के बाजू में, होते कि नहीं, 98 98 की बोलते रहते हो। लेकिन ये भी पुण्य है, यह भी पुण्य है कि गुरु चरण मिले, ऐसे मिले कि फिर गुरु चरण कभी छूटे ना। तो ऐसे ही पुण्य बढ़ाओ आप सभी भी, मात्र यहां से सुन के ही मत जाना कि आए हैं आचार्य श्री के चरणों में जिनमाणी सुनी, बस सुनी और यहां से बाहर निकले, सिंधुवन से बाहर निकले और बाकी फिर अपने ऑफिस में पहुंच के सब अपने अपने कामों में लग गए। रितेश आए तो अब सुनना ऐसे नहीं सुनना कि सुन के छोड़ जाना, सुनना ऐसे सुनना कि अब तो बस गुरु चरणों में ही आना है और हमको भी एक दिन गुरु बनना है, और गुरु नहीं हमको भी निर्गंत बनना है, और निर्गंत ही नहीं हमको भी अरहंत बनना है। लेकिन जब तक गुरु चरणों में निर्गंतों के चरणों में नहीं आओगे, इन ग्रंथों को नहीं लोगे, जब तक तब तक निर्ग्रंत नहीं बनोगे, और जब तक निर्गंत नहीं बनोगे तब तक अरहंत भी नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। छोड़ दो सारे परिग्रह, कितना जोड़ोगे। पंडित जी बोलते तो खूब हो तुम, आई एम अ गॉड, यू आर अ गॉड, जाते हो इराक सीरिया जाने कहां कहां हुआ है, आतंकवादियों के प्रदेशों में भी कहां कहां, पूरे देश के, पूरे विश्व के 215 देशों में 214 देश हैं, वहां कहीं भी जाके सुख सुविधाओं के साधन मिल सकते हैं, इंद्रियों के भोग मिल सकते हैं, लेकिन सच्चे गुरु केवल एक जो 215वां भारत देश है वहीं मिल पाएंगे। जीने के साधन मिल सकते हैं, इंद्रियों के सुखों के साधन मिल सकते हैं, लेकिन जो अतिंद्रिय सुख है उसके लिए पाना है तो इसी भारत की भूमि में गुरु चरणों में ही आना पड़ेगा। सच्चे निर्गंध गुरु तो यहीं मिलेंगे, तो मत हो लीन परिग्रह में, कुछ नहीं मिलेगा, और जो मिला है बोर चला जाएगा। सभी बोलते हैं ना, क्या लेके आए थे सुमित भैया, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, लेकिन ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाओगे, ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाओगे, कर्म लेके आए थे, कर्म ही लेके जाओगे, बाकी सब यहीं छोड़ जाओगे। मत हो लीन परिग्रह में, ना फूलो सोने चांदी में, मत हो लीन परिग्रह में, ना फूलो सोने चांदी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। वो सिकंदर भी इतिहास के पन्नों में उठा के देख लेना, जितने भी तानाशाह हुए हैं, चाहे हिटलर हो चाहे सद्दाम हुसैन हो, सब क्या अंतिम स्थिति उनकी बनी, क्या ले जा पाए, कुछ नहीं ले पाया है। वह सिकंदर भी, इसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, वह भी यहां आके दिगंबर मुनि के चरणों में आके ही उसको वो सद्बोध की प्राप्ति हुई, और यहां से ले जा रहा था मुनिराज को, तो मुनिराज ने भी कह दिया, कल्याण मुनिराज जो अष्टांग निमिष के ज्ञानी थे, कि तुम ले तो जा रहे हो लेकिन तुम खुद अपने सहन नहीं पहुंच पाओगे। जब गया सिकंदर तब वो यही बोल के गया था कि मेरे दोनों हाथ मेरी कब्र से
बाहर निकाल देना कि दुनिया को भी पता चले कि जिसने पूरी दुनिया को देखा वह भी खाली हाँ जरा था। सिकंदर जब चला भूसे सभी हाली बवाली थे, सिकंदर जब चला भूसे सभी हाली बवाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर दो हाथ खाली थे। तो यह पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, अतिशय पुण्य का उदय है आप सभी का, जो ऐसे निर्मल परिणाम जब कसाईयों में मंदता, जब व्यक्ति का विवेक जागृत होता है तभी ऐसे भाव बनते हैं। और जहां विवेक काम करता है वहां विवेक काम नहीं करता, जहां विवेक काम करता है वहां विवेक काम नहीं करता, और जहां विवेक होता है वहां विवेक काम नहीं करता। तो आपका विवेक जागृत हुआ है इस खोटे काल में भी, कली काल में, यही आपका पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, जो आपके ऐसे निर्मल परिणाम हो रहे हैं कि इतनी विवशता होने के बाद भी आप लोग समय निकाल के गुरु चरणों में आ रहे हो और जिन वाणी को सुन रहे हो। तो अब समय हो गया, पंडित जी को तो समय का कोई ध्यान नहीं रहता, लेकिन हमें तो समय का ध्यान रखना है, हमको सबको गुरु जी से अमृत वचन सुनने हैं। तो अब समय हो गया कि अब समय से समय को समझें, समय हो गया कि अब अपना समय बदलें। रितेश भाई, समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है समय के साथ। तो समय से समय को समझें, समय पर समझें, समय से समझें, वही समय आपको एक दिन परम समय में पहुंचा देगा। और जब तक पर समय में लीन रहोगे, सौ समय को नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, नहीं लीनोगे, तो पर समय आपको कभी सौ समय में नहीं जाने देगा। तो समय है तो समय से समय को समझें, पर समय को छोड़कर सौ समय में लीन हो जाओ। और जिस दिन समय सार बन के सौ समय में लीन हो जाओगे तो समय भी आपको परम समय में पहुंचा देगा, और समय खराब करने फिर इन पंचम छठम समय में नहीं आने देगा। तो समय से समय को समझें, समय यानी आगम, समय यानी आत्मा। इसी भावना से बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, तीर्थंकर जिनकी पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंत हो जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विष्णुधरा को तत्व प्रकाश प्रदान किया है। मिश्र की भी व्याख्या भगवान ने की है, अमिश्र की भी व्याख्या भगवान ने की है। मिश्र का रूप भी दिखाई देता है, अमिश्र का स्वरूप दिखाई देता है। मिश्र चाक्षुष अचाक्षुष है, अमिश्र अचाक्षुष ही है। मिश्र चाक्षुष अचाक्षुष है, अमिश्र अचाक्षुष ही है। मनुष्य त्रियंत देव नारकी मित्र ये सब मिश्र है, ये मिश्र है चाक्षुष है। निगोदियां भी मिश्र है अचाक्षुष है। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म 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 ये पुद्गल की धाराएं हैं, ये पुद्गल की पर्याय अवस्थाएं। इनमें चाक्षुष भी हैं अचाक्षुष भी हैं, परमाणु अचाक्षुष ही है। धर्म ध्रुवी अधर्म ध्रुवी आकाश काल अचाक्षुष ही है। किसमें संतुष्टि किसमें संतुष्टि
चाक्षुष की सीमा बहुत कम है। किसमें संतुष्टि? चाक्षुष की सीमा बहुत कम है। विश्व में सर्वाधिक अचाक्षुष है। इंद्रिय जिन विषयों को वेदने वाला, इंद्रियजन विषयों को वेदने वाला जीव स्वयं को नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए नाम को प्राप्त हो रहा है, नाम ध्येय को प्राप्त नहीं हो रहा है। निश्चित नाम को प्राप्त हो रहा है, नाम ध्येय को प्राप्त नहीं हो रहा है। जो जीव चाक्षुष अचाक्षुष द्रव्यों के निहार करके, चाक्षुष अचाक्षुष द्रव्यों को वेद करके, चाक्षुष अचाक्षुष द्रव्यों को समझ करके गे दृष्टि से जानता है, भोग दृष्टि से नहीं दिखता है, वो व्यक्ति नाम ध्येय हो जाता है। पुनः समझिए, जो जीव चाक्षुष अचाक्षुष वस्तु अपने आप में भोग्य नहीं है, वस्तु अपने आप में अभोग्य भी नहीं है। ज्ञानी निहारी इधर, ये पेंसिल है, न भोग्य है न अभोग्य है, ये शरीर है, न भोग्य है न अभोग्य है। रागी के लिए भोग्य है, बीत रागी के अभोग्य है, परंतु अपने आप में जो है सो है। ओहो, श्रवण परंपरा में मुमुक्षु, श्रवण परंपरा में भारतीय भूमि पर जन्म लेने के बाद इतना सुन के जीव नहीं जा सका तो विश्वास रखना अपने आप में अधूरा ही गया। कोटि 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 अप्सराओं के साथ रमण करने वाला सौध्रम इंद्र अपनी पर्याय को पूर्ण करता है, मित्र अपना जीवन अधूरा करके ही नीचे उतरता है। कोटि कोटि अप्सराओं के साथ रमण करने वाला सौध्रम इंद्र अपनी आयु को पूर्ण करके वहां से चित होता है तो ज्ञानियों अपने आप में अधूरा ही मरता है। एक मनुष्य चक्री पद प्राप्त करके, कामदेव पद प्राप्त करके, तीर्थंकर पद प्राप्त करके भी अधूरे हैं, भी अधूरे हैं। उन्हें निर्णय होता है कि मुझे मालूम है मैं तीर्थंकर पदवीधारी हूं, मुझे मालूम है मैं चक्री हूं, मुझे मालूम है कामदेव हूं, तब भी अपने आप में अधूरे हैं, क्योंकि हमने चक्री तीर्थंकर पदों को प्राप्त करके चाक्षुष को देखा है, मिस्र का वेदन किया है। ओहो, कहूं सुरेश बकेल साहब है मित्र, शमशान पर एक मां अर्थी पर रखी हुई है, शमशान में एक मां अर्थी पर रखी हुई है, ओहो, जिसे देख करके करोड़ों आंखें गर्म होती थी, आज वो शरीर झुलस रहा है। एक मां की अर्थी जिसके चमकते चेहरे को देख करके लाखों आंखें झुलसती थी, गर्म होती थी, आज वो शरीर झुलस रहा है। एक कामदेव
हे मित्र, जिसको देख करके करोड़ों करोड़ों नारी अपना विवेक खो देती थी, वो कामदेव भी जब समाप्त होता है कोई कामनी देखने नहीं जाते। मत समझना इस बात को कि राजा भैया लोग मुझे चाहते हैं, कोई किसी को नहीं चाह रहा है। इच्छाओं की पूर्ति जब तक हो रही है तब तक लोग आपको अपना स्वीकारते हैं, पर जिसकी इच्छा की पूर्ति समाप्त हो जाती है मित्र, जैसे कि अर्थी पर दुनिया को रखा गया है वैसे हम भी रखे जाएंगे। ये शरीर चिता पर जले इसके पूर्ण चिंतन हो जाए, ये शरीर चिता पर जले इसके पूर्ण चिंतन हो जाए कि चिता उसकी जलती है जो चैतन्य नहीं होता। चिता उनकी जलती है जो चैतन्य नहीं होता, जो चैतन्य धातु है उसकी कभी चिता नहीं जलती है। वो चिन्मय चैतन्य भगवान आत्मा ध्रुव ज्ञायक अपने स्वरूप में ही रहता है। चैतन्य की चिता कभी नहीं जलेगी, चैतन्य की चिता कभी नहीं जलेगी। चाहे शुद्ध जीव हो चाहे अशुद्ध जीव हो, चिता नहीं जलेगी। आनंद आ गया। विश्वास रखिए, कोई अग्नि का अंगारा मुझे नहीं जला पाएगा। आज तक कोटि कोटि भव धारण किए हैं लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई। आज तक जम्मू भैया, आज तक मेरी मृत्यु नहीं हुई, आपका मुझे पता नहीं है। मेरी तो आज तक मृत्यु ही नहीं हुई। जो अपनी मृत्यु को देखता है वो आर्त्र ध्यान में जाता है। मेरी आज तक मृत्यु नहीं हुई, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। नरेंद्र भैया, आज तक मेरी मृत्यु नहीं हुई। विश्वास मानो मित्र, आज तक मेरी अध्यक्ष जी संक्रांत नगर मेरी मृत्यु नहीं हुई। आज तक इतने विद्वान मनीषी यहां बैठे हुए हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, और इनसे ही नहीं विश्व में, चाहे जैन दिगंबराचार्य हो, सितंबर आचार्य हो, शंकराचार्य हो, विश्व के जितने जितने बड़े बड़े तुम जिनको आचार्य लगाते हो, सबसे पूछ के आइए। विशुद्ध सागर कह रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं आप क्या मान्यता है, पर मेरी मान्यता है कि मेरी आज तक मृत्यु नहीं हुई। मेरी मृत्यु तो नहीं हुई। जिसकी मृत्यु हो वो सुभाष भैया बिलखे, जिसकी मृत्यु हो वो सुभाष भैया सोचे अब मेरे घर का क्या होगा। जिनके लिए घर बनते हैं वे घर होते हैं, मेरे चैतन्य के लिए कोई घर ही नहीं होते। जिनके लिए घर होते हैं वे घर ही होते हैं। अच्छा स्थान मिलता है आप घर छोड़ देते हो। टीकमगढ़ मुमुक्षु, आप 108 लोग एक दिन में घर छोड़ के आ गए। एक दिन में 108 घर छोड़ के आए हो तुम सब। मित्र मुझे विश्वास है, अच्छा मिलता है तो तुम घर छोड़ देते हो। अच्छा मिलता है तो घर छोड़ देते हो। नरेश भैया मुझे विश्वास है, अच्छा मिलता तो घर छोड़ देते हो। अच्छा मिलेगा तो बल्ली इसको भी छोड़ दोगे।
निश्चय विभार दोनों में लगाते जाइए। जो लंकेश नरेंद्र भैया अपनी पट्ट महेशी, अपनी पट्ट महेशी रावण की महारानी पट्ट महेशी कौन मालूम? सीता नहीं, मंदोदरी। सीता नहीं, मंदोदरी का चेहरा देखते देखते अघाता नहीं था। जो लंकेश अपनी पट्ट महेशी मंदोदरी का चेहरा देखते देखते अघाता नहीं था, पर राम की जानकी को देखते ही मेरे मित्र मंदोदरी को चेहरा देखने नहीं गया था। इसलिए माताओं, किसी चेहरे देखने वालों से, देश की बेटियों से कह देना, बेटा प्रभावित होकर अपने टुकड़े मत करा लेना। जो तुम्हारा चेहरा देखते हैं कोई दूसरे का चेहरा दिख जाएगा। पर जब रावण आज का नहीं, मुनि सुब्रत नारायण स्वामी के शासन काल में हुआ रावण, वो लंकेश जानकी को देखते ही मंदोदरी को भूल गया। इसलिए से भ्रम में मत रहना कि मुझे लोग चाहते हैं। मैं तो कभी नहीं सोचता हूं कि लोग मुझे चाहते हैं, सोचूंगा भी नहीं कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम विद्या को देखते होंगे, तुम ज्ञान को देखते होंगे, तुम वैराग को देखते होंगे। मित्र, विशुद्धि मेरी निजी वस्तु है। नरेंद्र भैया, इस चातुर्मास में कुछ मिले ना मिले, पर इतना तो मिल ही गया कि खड़े होने की आदत पड़ गई। जब इस प्रकार से हाथ जोड़ के खड़े होने की आदत पड़ चुकी है, तब ऐसे हाथ जोड़ के भी खड़े होने की आदत पड़ जाना चाहिए। विराजो मित्र, आई मेरी मृत्यु ने जिन जिन के नाम होते हैं उनकी मृत्यु होती है। नाम निक्षेप के रहा है आरोपण। पीयूष जैसे विद्वान अजित पंडित सोचते हैं कि ये तो एक पंक्ति की परिभाषा है, एक पंक्ति की परिभाषा है। वस्तु स्थान व्यक्ति का संज्ञाकरण करना इसका नाम नाम निक्षेप है। इतनी परिभाषा बोल करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, जबकि सारा विश्व इसी पर टिका हुआ है, जबकि सारा विश्व इसी पर टिका हुआ है। चाहे सम्राट हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, मेरे मित्र, जब तक नाम निक्षेप पर आहार संज्ञा छूट जाए, भय संज्ञा छूट जाए, परिग्रह संज्ञा छूट जाए, मिथुन संज्ञा छूट जाए, लेकिन नाम संज्ञा छोड़ने के लिए मित्र बड़ी बहुत ताकत चाहिए। स्त्री छोड़ चुके हैं, द्वार घर छोड़ चुके हैं, सबसे निर्भीक हो चुके हैं, मेरे मित्र आहार के भी उपास कर लेते हैं, फिर भी मेरा पेपरों में नाम आ रहा कि नहीं, देखो जरा पोस्टर कैसा। कोई तस्वीर ऊंची नीची तो नहीं हो रही हमारी? तो विशुद्ध सागर से मैं कहता हूं, मित्र जब तेरी मृत्यु नहीं है तो नाम कैसा। नाम निक्षेप, सारा जगत त्राहिमान त्राहिमान। गदिया जी, सुरेश भैया, ये प्रवीण देखो कितना लंबा फेंटा लगा है, अच्छा मोटा दिख रहा है। मित्र विश्वास मानिए, भैया के मन में भाव आ जाए कि आज मेरा नाम आना चाहिए,
और उसी समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पधारे, वो वरिष्ठ लोगों में नाम लिखा हो, वो तब भी उनके बेटे का नाम ले लिया और प्रवीण का नाम जान के छोड़ा। आदमी को बिना डंडा मारे मूर्छित करना हो, उसके घर के सगे ऐसे आदमी का नाम लो जिसे घर में कीमत ना हो। और फिर ये कहना, देखो भाई हमने एक सदस्य तो तुम्हारा घर का ले लिया था, अब कुछ बोल भी नहीं सकता बेचारा। बोले घर का सदस्य तो लिया था लेकिन बाप तो हम बैठे थे। ओ हो, बेटे का नाम ले दिया। बैठो भैया। अब प्रवीण उसमें जो भावों की दशा होती है, फिर मिलना शब्द ब्रह्म से, सुनना ध्यान से, शब्द ब्रह्म से भाव ब्रह्म का नाम ले देना, शब्द ब्रह्म से भाव ब्रह्म की व्याख्या कर देना, ये बहुत कठिन नहीं है। शब्द ब्रह्म को सुन करके शब्द ब्रह्म से शब्द बाण के रूप में तुम ना बिधो, ये विशिष्ट साधना है। समझ में आया कि समझाऊं? वकील साहब, हृदय मेरा बोलता है, हृदय बोलता है, ये भारत की भूमि में पर नहीं, विश्व वसुंधरा पर भगवान महावीर का सत्य अद्भुत पहुंच जाए। नहीं करता मेरा मन इस बात कर, अब किसी की निंदा प्रशंसा के लिए समय बर्बाद किया जाए। मन कहता है निंदनी प्रशंसनीय लोगों को तो लोग पूज्य बनाया जाए। मतलब शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म जो है ये कानों तक जाता है। महात्मा प्रणव सागर जी, मैं बताऊंगा क्या हुआ है, शब्द ब्रह्म है बेटा कानों तक जाता है। शब्द ब्रह्म एक कर्ण इंद्रिय का विषय बनता है, भाव ब्रह्म आत्म ब्रह्म हो एक किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। शब्द ब्रह्म के लिए कर्ण इंद्रिय विकृत हो गई तो मशीन लगाना पड़ेगी, लेकिन भाव ब्रह्म के लिए जगति पर कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है। शब्द ब्रह्म के लिए समझने के लिए भाषा का ज्ञान करना पड़ेगा, लेकिन भाव ब्रह्म को समझने के लिए आपको अलग से कोई भाषा नहीं पढ़ना है। शब्द ब्रह्म के लिए नेत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा प्रकाश, शब्द ब्रह्म के लिए नेत्र खोलना पड़ेंगे, शब्द ब्रह्म के लिए मित्र कान खोलना पड़ेंगे, शब्द ब्रह्म के लिए लेखनी स्लेट बत्ती पाठी चाहिए कॉपी चाहिए। भाव ब्रह्म के लिए जगती पर कोई कॉलेज ही नहीं खुला। भाव ब्रह्म के बोध के लिए ब्रह्मांड में कोई विद्यालय का आविष्कार नहीं हुआ आज तक। विद्यालयीन जो ज्ञान है, विद्यालयीन जो ज्ञान है उसका भी विसर्जन करना पड़ेगा। मित्र विश्वास मानना, आज आपको यदि इन पर विश्वास है, इनकी बात पर विश्वास है, तो आज नहीं जब तुम केवली के पास पहुंचो या आप केवली बन जाना, तब सोचना कि 2022 में रायपुर के चात्र मास में मैं गया था एक बार, वहां एक विशुद्ध सागर नाम के छोटे से मुनिराज बैठे हुए थे, उनने कहा था कि मित्र विद्यालय की संपूर्ण विद्याओं का विसर्जन करना पड़ेगा, तब भाव ब्रह्म में प्रवेश कर पाओगे। ये शब्द ब्रह्म जो है,
ये शब्द ब्रह्म है वो ऐसा है। नरेश भैया शुद्ध गो घृत रखा था, शुद्ध गो घृत रखा था गाय का घी बराबर, उसमें एक चींटी चली गई, अपने प्राण दे दिए उसने और घी को दूषित कर दिया। सुना कुछ मुंगना जी, एक चींटी एक बाल्टी भर घृत में प्रवेश कर गई, प्रवेश तो कर गई निकल नहीं पाई। प्रणव सागर जी, एक चींटी घी के मटके में गिर गई, गिर गई निकल नहीं पाई, लेकिन अपने प्राण दे दिए, घी को दूषित कर दिया। माताओं सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एक चींटी घी के घट में गिर गई, मां किसी साधु संत के पास जाके तुम बैठ गई, एक चींटी घी के घट में गिर गई निकल नहीं सकी, घी को दूषित कर दिया। ओह, एक चींटी प्रणव सागरी घी के घड़े में गिर गई, बेटा निकल नहीं पाई, प्राण दे दिए, घी दूषित हो गया। इस चींटी के अर्थ निकालते जाइए, निकल नहीं सकी, प्राण दे दिए लेकिन घी को दूषित कर दिया। आइए, एक शब्द ब्रह्म चींटी के समान प्रवेश कर गया तुम्हारे चित्त में, मित्र अहंकार को जन्म दे रहा था शब्द ब्रह्म, और जैसे प्रवेश किया वो जाकर के हृदय में मैं ज्ञानी हूं, ये चींटी गिर गई घी के घट में और विशुद्धि के घी को दूषित कर दिया, मित्र योगी के युग का नाश कर दिया, वो मर गई अपने आप में। एक चींटी, नाम निच्छे पीयूष, समझ रहे ना पीयूष, समझ रहे ना। तीर्थंकर महावीर सोबी ने ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके कोई उपदेश नहीं दिया, तीर्थंकर महावीर सोबी ने ग्रंथों को पढ़कर कोई उपदेश नहीं दिया, तीर्थंकर महावीर सोबी ने निर्ग्रंथता को पढ़ करके उपदेश दिया, वो मेरे मित्र उपदेश ग्रंथ हो गया। ओहो मेरे विश्व के वक्ता, किंचित भी विश्व समाज पर, विश्व परिवार पर मित्र, किंचित भी विश्व समाज पर करुणा हो तो आपके उपदेशों में, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ऋषभ देव के तत्व दीजिए, कि महावीर के तत्व दीजिए, कि श्री राम के तत्व दीजिए, कि कृष्ण के तत्व दीजिए, मित्र तत्व किसी के नहीं होते, तत्व तस भावस्तत्व। आप जरूर कहते कि विशुद्ध सागर का समय देशना पुरुषार्थ देशना, ये आपका कहना आपका भ्रम है, मेरा कोई तत्व नहीं है, मेरा तो मात्र एक तत्व है वो मैं ही हूं जिसकी मृत्यु नहीं है, मेरा तत्व मैं ही हूं जो जगत के मिश्र अमिश तत्व हैं, उनकी व्याख्या महावीर ने की है भगवान ने, उनकी व्याख्या ऋषभ देव ने की है, अनंत अनंत चौबीसों ने की है, उनकी व्याख्या ही आप सब तत्व हो, आपके तत्व को देख करके मैं आपका सत्य प्रकट कर रहा हूं, और इस सत्य को सुन करके ये सभा स्तब्ध है, इसका मतलब है हर जीव को अपना तत्व समझ में आता है। हर जीव को अपना तत्व समझ में आता है। नरेश भैया भीलवाड़ा है मित्र, आपने भीलवाड़ा में भी सुना है, रायपुर में भी सुन रहे हो, और जब जब आप आते थे आपको पूरे भीलवाड़ा की सभा शांत मिलती थी। आपका मित्र सुरेश गदिया मुझे सुनने नहीं आया था,
सुनने आया था। सुब्रत सागरी सुरेश भाई सुनने नहीं आया था, सुनने आया था। प्रथम दिन क्यों आए थे? सुनने नहीं आए थे, सुनने आए थे। मुक्त सुदूर भैया आप भी दुर्ग गए थे, सुनने नहीं आए थे। सुन करके सुनने गए थे, सुनने नहीं आए थे। सुना था कोई विशुद्ध सागर महाराज आ रहे हैं, इसलिए सुनने गए थे। कैसे हैं, क्या है, सुनने नहीं गए थे, नहीं गए थे, सुनने नहीं गए थे। सुना था लेकिन वो विषय अलग है, सुनने के लिए गए थे, सुनने लगे। सुनने के लिए गए थे, सुनने लगे। अब सुनने के लिए आते हो, अब सुनने नहीं आते हो। मृत्यु सुरेश भैया श्री समयसार जी ग्रंथ को 1985 में, श्री समयसार जी ग्रंथ को 1985 में मैंने अध्ययन किया। कितने वर्ष हो गए? 1985 में, 95 में नहीं, 85 में श्री समयसार जी ग्रंथ को धमासिया पुत्र मित्र 1985 में मेरे हाथ में समयसार ग्रंथ एक बुजुर्ग 80-90 साल के बुजुर्ग मेरे हाथ में दे के चले गए। मैं वहां पढ़ रहा था महापुराण आदि पुराण, उन्होंने मेरे हाथ में इतने वयोवृद्ध वो मेरे हाथ में गांव में आए, वो ग्रंथ दे के चले गए। मैंने उनका चेहरा देखा, ये महान ग्रंथ मुझे बच्चे को क्यों दे रहे हैं? वे बड़े प्रेम से बोलते, लला ठीक है तुम आदि पुराण पढ़ रहे हो, पढ़ो, लेकिन आप ये समय सार पढ़ना। वो ग्रंथ दे के चले गए। मैंने सोचा कि वृद्ध ने ग्रंथ दिया है तो अध्ययन करना चाहिए। कुंद कुंद देव की गाथाओं को मैंने पढ़ना प्रारंभ किया, अमृत स्वामी की टीका भी देखना प्रारंभ की, जयसेन स्वामी की टीका भी पढ़ना प्रारंभ किए, लेकिन समझ नहीं आया। इतना समझ में आ गया ये मिश्र की व्याख्या वाला ग्रंथ नहीं है, ये अमिश्र की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है, ये नाम निक्षेप वाला ग्रंथ नहीं है, ये भाव निक्षेप की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। कुछ पढ़ाओ बंद करके रख दिया। फिर आचार्य विराग सागर थे टीकमगढ़ में, वाचना कर रहे थे। हमने समाचार भेजा कि महाराज जी मुझे समयसार पढ़ना है। उन्होंने एक पत्र भेजा, बिल्कुल नहीं पढ़ना। बिल्कुल नहीं पढ़ना। चेहरा उदास हो गया, नहीं पढ़ा। गुरु आज्ञा ये परम सत्य, जो शिष्य गुरु की आंखों के अनुसार जीता है उसको दुनिया की आंखें देखती हैं। चाहे समुद्र सागर हो, चाहे साक्ष सागर हो, चाहे निब्रिज सागर जी हो, मित्र मैंने इतना ही सीखा है जो शिष्य अपने गुरु की आंखों के अनुसार जीता है उसको दुनिया आंखों से निहारती है। इसलिए जब तक तुम्हें उन्नति चाहिए है अपने गुरु की आंखों के नीचे जीते रहोगे, तुम्हारा विकास ऐसा ही होता है। जहां गुरु की आंखों से अपनी आंख तुमने मिलाई बेटा, दूसरी आंखें तुम्हें देखना बंद कर देंगे।
आज तक राजा मैं अपने गुरु से बात नहीं कर पाया ऐसे उठा करके, कभी नहीं। उनके कमरे में ज्यादा जाता भी नहीं हूं मैं उतनी जाता हूं कि मंदिर में उतनी देर रहो जब तक प्रभु दिखते रहे और प्रभु की जगह खुशियां दिखने लगे मंदिर के बाहर आ जाओ। नीटू भैया विकास चाहिए है तो देवसा गुरु की आस्था मेरे भीतर से बाहर ना जा पाए। मिश्र पर लक्ष्य है, जो जिस विभूति को आप देख रहे हो वो मित्र आपके कारी भी में गया, कारी वो कारी के जिन मंदिरों को मैंने दर्शन किए तो मुझे लगा कितनी वैभवशाली समाज रही होगी। मंदिर की देहरी मंदिर की नहीं होती, मंदिर की देहरी मंदिर की नहीं होती है सुभाष भैया, मंदिर की देहरी की सुंदरता जो है। बड़जात्या जी गए क्या मित्र? विनोद जी मंदिर की देहरी मंदिर की नहीं होती, मंदिर की देहरी की सुंदरता समाज की भक्ति की सुंदरता की पहचान है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं शिष्यों की बुद्धि शिष्यों की नहीं होती है, गुरु के अनुशासन की बुद्धि शिष्यों के भीतर होती है। दादा ताराचंद जी मंदिर की देहरी स्वच्छ दिखती रहेगी जब तक, तब तक समाज का विकास होता रहेगा। और जिसके मंदिर की देहरी पर कचरा आ चुका है मतलब समाज के हृदय में कचरा आ चुका है। मंदिर की देहरी को स्वच्छ रखना, मंदिर की देहरी को स्वच्छ रखना यानी मन की देहरी को स्वच्छ रखना। मंदिर की देहरी स्वच्छ है उसमें तो मात्र पाषाण धातु के परमेश्वर हैं, मन की देहरी स्वच्छ है उसे चैतन्य भगवान आत्मा है विराजो ज्ञानी हो। आप आए हैं क्या हो गया बट्टू भैया? आप आए हैं, जो भी आए हैं जहां से आए हो मित्र ऐसे रहना कि कम से कम जैसे हैं वैसे बने रहे, नीचे ना उतर पाए। और ये समाज की अखंडता समाज की एकता ये मत कहो कि जैन समाज छोटी है, सोने का कंगन सोने की अंगूठी कितनी लंबी मोटी बना लो लेकिन हीरे का नंग है, हीरे का नंग है तो वो अपने आप में चमक है। यदि देश की संपूर्ण समाज सोने की अंगूठी है तो जैन समाज उसमें हीरे का नंग है। मां कितनी मोटी मोटी पेजनिया पहन लो, पायलें कड़े पहन लीजिए, नूपुर बिछुआ मोटे मोटे पहन लीजिए लेकिन दिखता तो सबसे पहले माथे का तिलक है। सामने से क्या दिखता, माथे का तिलक है। ऐसी ये परम ब्रह्म की व्याख्या करने वाली सर्वणी संस्कृति मित्र पैरों की बिछुआ नहीं है, ये माथे का तिलक है। इस माथे के तिलक को बंडी नीचे मत गिरने देना, बाहर की सुख दुखों को देख करके अपने जैनत्व की विभूति को छोड़ देना। भाई सुरक्षण जीवन में किंचित कष्ट भी आ जाए
लेकिन कष्ट के पीछे इस शरीर का नाश करने का विचार मत करना। ये तुच्छ सामग्रियां क्या देंगे, मुझे जैन कुल मिला है, इससे बड़ी विभूति क्या चाहिए आपको। विराजो नाम थे, मेरी मृत्यु नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है राकेश भैया, मेरी मृत्यु नहीं है। जिस दिन आपकी श्रद्धा में, सोच में, विवेक में ये निर्णय प्रवेश कर जाएगा कि मेरी मृत्यु नहीं है, उस दिन आप दुनिया में परम अहिंसा के उपासक हो जाएंगे। मेरी मृत्यु नहीं है बेटा निर्गंत, मेरी मृत्यु नहीं। इसलिए यशोदर से कहते ना बालक, जब मेरी मृत्यु नहीं है तो मेरा जन्म भी नहीं है। आए क्या? हाँ, मेरी मृत्यु नहीं है तो बालक मेरा जन्म भी नहीं है। जिसका जन्म है वो शरीर बांग मना प्राणापान पुदगलाना, जिसका जन्म है वो शरीर वांग मना प्राणापान पुदगलाना, शरीर वचन मन बल श्वास इन्हीं का जन्म है, चैतन्य भगवान आत्मा का जन्म नहीं है, क्योंकि इसकी मृत्यु ही नहीं है।